Hello developers, in this video we will gonna see several topics about AWS. So firstly, auto scaling group, health checks, demo parts of auto scaling group with EC2, about subnet and VPC. Moreover, create VPC, create subnet, create tables, internet gateway, NAT gateway, and about IP address. So let's get quickly jump into the video and always be a learner. तो ऑटो स्केलिंग अपना फीचर बात करें तो क्या है कि आपके इंस्टेंसेस क्रिएट करना, डिलीट करना अगर स्पेसिफिक टाइम पे करना हो आपको, आपने देखा कि आपके लोड इस टाइम पे ज्यादा आता है तो आपने उधर उस समय क्या कर लिया, इंस्टेंस थोड़े से ज्यादा बना ली। अगर ज्यादा होता है तो आप क्या करके रखना और उसको हटेगा आपका, तो वो आपके एक नए इंस्टेंस डिप्लॉय कर देगा। लोड अगर आपका वापस से कम हो जाता है विद इन फ्यू मिनट्स, उसमें से वो इंस्टेंस को रिमूव भी कर देगा। ठीक है, तो मेन अपने क्या है कि वेरिएशन आ रहा है अगर लोड के अंदर, वैरिंग लोड मेरा आ रहा है तो उसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, ऑटो स्केलिंग कर सकता हूँ। तो साथ में अपन लोड बैलेंसिंग भी करेंगे उसी के साथ में। तो ऑटो स्केलिंग में सबसे पहले आपको क्या चाहिए है, या तो एक लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन हो आपके पास में, या फिर आपके पास क्या हो, एक लॉन्च टेम्पलेट होना चाहिए। तो लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन सारी के सारे डिटेल्स आप कह सकते हो कि जो आप एक नए इंस्टेंस को डिप्लॉय करते वक्त देते हो। सिक्योरिटी ग्रुप हो गया उसका, उसमें कौन सा एएमआई है, उसका टाइप क्या है। ठीक है, क्योंकि हर एक बार अगर आप जा जाके टाइप बताने लगे तो ऑटो स्केलिंग नहीं कहलाएगी। तो एक लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट करिए यहाँ पे, टेस्ट नेम दे देते हैं इसको। देन एएमआई आपको सेलेक्ट करनी है तो वो एएमआई आईडी के थ्रू सेलेक्ट होगा। आईडी आपको चेक करने के लिए EC2 इंस्टेंस पे जाना है, लॉन्च इंस्टेंस करिए एंड हियर इट इज। ये आईडी आप कॉपी करके फिर पेस्ट कर। ठीक है, ये अपने पास में आ गई मशीन, इसको सेलेक्ट किया। देन इंस्टेंस टाइप बताना है मुझे, सारे के सारे यहाँ पे अवेलेबल है। मैंने इसमें सर्च करा t2.micro एंड देन चूज। देन IAM रोल वगैरह आप कुछ लगाना चाहते हैं, मॉनिटरिंग एनेबल करनी है टिक कर दीजिए। EBS ऑप्टिमाइज वॉल्यूम लेना है कि नॉर्मल लेना है, तो नॉर्मल ही ले रहे हैं। इसके ऊपर मैं वेबसाइट डिप्लॉय करना चाहता हूं तो मैंने क्या करा, स्क्रिप्ट यहाँ पर बता दी सीधी apache.sh, इसमें वही इंस्टॉल कराएगा और वहाँ पे कुछ कंटेंट सेंड करेगा। देन आपका स्टोरेज अटैच कर दिया और सिक्योरिटी ग्रुप। सिक्योरिटी ग्रुप में इधर एक और रूल ऐड करा देता हूँ, HTTP फ्रॉम एनीवेयर। ठीक है, तो 22 पोर्ट अलाउड है और आपका 80 पोर्ट अलाउड है। देन की पेयर आपको बताना है, कौन से की पेयर के थ्रू लॉगिन लेना है, मैंने बता दिया AWS। एक्नॉलेज करिए और क्रिएट कर दीजिए। ठीक है, तो अब इसको क्या कर सकते हैं अपन, ऑटो स्केलिंग में यूज में ले सकते हैं। तो अभी चलते हैं ऑटो स्केलिंग ग्रुप पर। यहाँ पे बता भी रखा है इसने हाउ इट वर्क्स। आपका एक मिनिमम साइज होगा, एक आपका मैक्सिमम साइज होगा। ठीक है, और उसकी एक होगी डिजायर्ड कैपेसिटी। जो भी आपने कंडीशन रख रखी है, अगर मैक्सिमम CPU उस पर रख रखा है यूटिलाइजेशन पे, तब वो CPU यूटिलाइजेशन अगर ज्यादा होगा तो उसमें इंक्रीज करेगा। अगर आपने पर इंस्टेंस काउंट पे रख रखा है कि कितना उस पर नोड आ रहा है काउंट कर करके वो देखेगा, जिसपे अगर ज़्यादा हो रहा है लिमिट तो इंक्रीज कर देगा इंस्टेंस। या फिर आप नेटवर्क इनपुट नेटवर्क आउटपुट पे ले सकते हैं, ठीक है। तो डिजायर्ड कैपेसिटी वो है कि उसके अंदर अगर उसकी थ्रेशोल्ड वैल्यू क्रॉस हो जाती है तो AWS ऑटो स्केलिंग ग्रुप को कितनी नीड है इंस्टेंसेस, और डिजायर्ड वैल्यू अपनी मिनिमम से लेके मैक्सिमम तक जा सकती है, ठीक है। तो अभी करते हैं क्रिएट ऑटो स्केलिंग ग्रुप, नेम दे देते हैं इसको टेस्ट ASG। अपन लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन से कर रहे हैं तो स्विच टू लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन एंड देन टेस्ट वाली सेलेक्ट करो, और यहाँ पे की पे अपन ने सेलेक्ट कर लिया पर यहाँ नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो इसका पक कह सकते हो आप, अभी जस्ट नेक्स्ट करो आप। देन VPC आपने बताया और उसमें सबनेट कौन कौन से लेने हैं वो बता दिया। तीनों अगर सेलेक्ट करोगे वो तीनों बनाने की ट्राई करेगा, पर माइक्रो का सपोर्ट अभी 1c में नहीं है इसलिए उसमें एरर दे सकता है, इसलिए केवल दो ही सेलेक्ट करना, 1A 1B। देन नेक्स्ट लोड बैलेंसर अगर अटैच करना है तो या तो एग्जिस्टिंग के साथ कर दो या फिर एक नया बना लेते हैं। अपन चेक करते हैं एक बार, ठीक है, नहीं है अभी तो मैंने करा अटैच टू अ न्यू लोड बैलेंसर। एप्लीकेशन लोड बैलेंसर का नेम आ गया, इंटरनेट फेसिंग रखते हैं, दोनों सबनेट हो गए। नेम लिसनर एंड राउटिंग आपकी आ गई। ELB बनाया, ELB और EC2, अभी दो चीज आ गई यहाँ पे हेल्थ स्टेप के अंदर। तो हेल्थ स्टेप के अंदर क्या होता है कि सिस्टम की वो हेल्थ चेक करता है। अगर ओनली EC2 रखते हो तो उसके हार्डवेयर हेल्थ चेक करता हूँ, बैकएंड के अंदर हार्डवेयर में कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर इंस्टेंस मैंने इसमें ऑटो स्केलिंग में लगा रखा है, लोड बैलेंसर के साथ कनेक्टेड है, हार्डवेयर साइड कोई दिक्कत आती है तब मेरा EC2 हेल्थ चेक फेल होगा, वो इसको बताएगा कि अनहेल्दी है और उसके बाद में वो उसे रिप्लेस करेगा। अगर ELB कर दोगे तो ये आपके सर्विस लेवल हेल्थ भी चेक करता है, अगर उस पर आप पिंग नहीं कर पा रहे तब भी वो क्या हो जाएगा, अनहेल्दी हो जाएगा और ये उसको रिमूव कर देगा, रिमूव करके एक नया इंस्टेंस वहां पे लगा देगा जिसके साथ में इसको रिप्लेस कर दो, ठीक है। देन हेल्थ चेक ग्रेस पीरियड, जब एक नया इंस्टेंस बना है उसके साथ में अटैच हो रहा है तो उसमें कितनी देर वेट करेगा वो हेल्थ चेक करने से पहले। बाय डिफॉल्ट 300 का रहता है, मैंने 30 करा इसको। देन ग्रुप मैट्रिक्स अगर आप अनेबल कराना चाहते हैं करा सकते हैं, कि कितने इंस्टेंस बन रहे हैं, कितने रिमूव हो रहे हैं, कौन सा इंस्टेंस कौन से स्टेट में, वो सारी की सारी मैट्रिक्स यहाँ पे दिखा देगा। अभी करते हैं नेक्स्ट, टारगेट ग्रुप का नेम यहाँ पर बता दिया, देन नेक्स्ट। अब यहाँ पे आ रही है मेरे पास ग्रुप साइज, ठीक है। तो मैंने बताया इसको कि मिनिमम वैल्यू 1 है, मैक्सिमम वैल्यू मेरी 3 दे देता हूँ। देन आपकी स्केलिंग पॉलिसी बतानी, एवरेज CPU यूटिलाइजेशन हो गया, नेटवर्क इन कितना आ रहा है, आउट कितना जा रहा है, या फिर लोड बैलेंसर पे रिक्वेस्ट कितनी आ रही है टारगेट। मैंने बताया इसको कि एवरेज CPU यूटिलाइजेशन 50%, ठीक है, अगर 50% से ज्यादा होता है आप इंस्टेंस इंक्रीज कर दीजिए, अगर कम होता है आप उसके बाद वापस उससे रिमूव कर दीजिए। और जब इंस्टेंस नया ऐड हो रहा है तो कितनी देर उसे चाहिए मैट्रिक में ऐड होने के लिए, दे देते हैं 10 सेकंड। आप चाहते हो केवल स्केल आउट की पॉलिसी बनानी, इंस्टेंस इंक्रीज होने चाहिए, वापस डिक्रीज नहीं होने चाहिए। इसको आप डिसेबल स्केल इन कर सकते हैं। देन इसके लिए प्रोटेक्शन आपको लगाना है, वो आप लगा सकते हैं। उसके अंदर बाय डिफॉल्ट उसके अंदर स्केल इन प्रोटेक्शन लग जाएगा, वो स्केल इन होने से बचेंगे, मतलब स्केल आउट तो करेगा पर उसको हटाएगा नहीं जब तक उसकी कंडीशंस मैच नहीं होती, या तो इंस्टेंस बंद नहीं होता वहां से खुद ब खुद, या फिर आप उसे बंद नहीं करते। जस्ट नेक्स्ट करते हैं, नोटिफिकेशंस बाद में देखेंगे। नेक्स्ट टैग दे देते हैं इधर, जो मेरे इंस्टेंसेस है इसके थ्रू जो बनेंगे उसको नाम टैग क्या मिल जाएगा, टेस्ट एएस। और ये कर नेक्स्ट करा, रिव्यू करिए एंड क्रिएट। मेरे पास में एक ये बता रहा है डिजायर्ड कैपेसिटी 1, तो जो इंस्टेंसेस थे अभी 0 थे, थोड़ी देर में यहाँ पर इस जगह आ गया, साथ में टेस्ट टारगेट टेस्ट एएसजी नाम से एक सेकेंड वो बन गया अपने पास टारगेट ग्रुप, उसके अंदर वो टारगेट भी थोड़ी देर में ऐड हो जाएगा। ठीक है, प्रोविजन हो रहा है अभी, इसमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। टारगेट रजिस्ट्रेशन सर मैं ऐसे बोल रहा था कि जो इंस्टेंस बनेंगे वो तो ट्रैफिक आने के बाद बनेंगे ना? नहीं, एक तो उसमें रहेगा मिनिमम, बंद तो रहेगा ही रहेगा। नहीं, इंस्टेंस तो रहेगा जिसमें फर्स्ट टाइम जो इंस्टेंस बनाया वो तो ठीक है, बट जो मैंने ऑपर स्केलिंग पे डाले हैं इंस्टेंस वो तो जब क्रिएट होंगे जब लोड आएगा मेरे पास। हां, तो ये अभी कैसे आएगा यहां पे? आप कह रहे हो ना यहां पर बनेगा एक, इसमें अपने शेड्यूल्ड स्केलिंग होती है, शेड्यूल्ड एक्शन आपके पहले वो करेंगे, उसके बाद में फिर उन दोनों के ऊपर लोड इंक्रीज करेंगे एक कमांड के थ्रू। तो उस कमांड के थ्रू क्या है कि टाइम थोड़ा एक्स्ट्रा लगेगा पर हो जाएगा, प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा अभी ऑटो स्केलिंग, क्योंकि अपने लोड अपन क्या है कि सही तरीके से नहीं बढ़ रहा है। फेक लोग आप कह सकते हो कि फेक लोड अपन उसमें इंक्रीज कर रहे हैं। हाँ, वो तो अपन इंस्टांस रेट करें, तो अभी जो इंस्टांस आप रेट कर रहे हैं वो किसके लिए करा? आपने शेड्यूल्ड किया है इसलिए? नहीं, अभी फर्स्ट तो ये वाला करा हमने, इसी के अंदर अपन शेड्यूल्ड करेंगे और इसी के अंदर अपन लोड इंक्रीज करेंगे, दोनों एक ही साथ करेंगे। दूसरा ऑप्शन सर अपने पास ये भी है ना कि इंस्टेंस को टर्मिनेट कर दो या उसको स्टॉप कर दो, ये भी ऑटो स्केलिंग हो जाएगी। जैसे टर्मिनेट करेंगे उसके अंदर देखेगा कि एक भी इंस्टेंस नहीं है, उसकी डिजायर्ड कैपेसिटी से कम हो गया, तो वापस से डिजायर्ड कैपेसिटी के बराबर लाने की ट्राई करेगा। मल्टीपल ऑप्शन से कोई सा भी कर सकते हैं। अभी जैसे इस पे रिक्वेस्ट अपन करते हैं एक बार, ठीक है। अपना लोड बैलेंसर ऑन हो गया, तो अब क्या करना है, यहाँ पे ऑटो स्केलिंग पे चलिए। तो यहाँ पे नीचे बता रहा है इसकी ग्रुप डिटेल्स, लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन। अगर आपको रन टाइम पे चेंज करनी है तो आप चेंज कर सकते हैं। आपने यहाँ चेंज करा, आपको नया इंस्टेंस जो चाहिए वो नई कॉन्फ़िगरेशन के साथ चाहिए, पुराने वाले को हटा दो आप। जो आपकी वेबसाइट अगर डेटा चेंज कर रहे हो आप, तो फटाफट से चेंज कर सकते हो। परचेजिंग ऑप्शंस वगैरह है, नेटवर्किंग, लोड बैलेंसिंग, हेल्थ चेक, और उसके बाद में अपने पास एडवांस कॉन्फ़िगरेशन। इसमें एडिट करते हैं, इसके लिए प्रोटेक्शन अनेबल वही वाला, देन टर्मिनेशन पॉलिसी। जब स्केलिंग करेगा तो किसको हटाएगा पहले? बाय डिफॉल्ट यहाँ पर अभी दूसरा भी सारे यूज कर सकते। Closest to next instance, our allocation strategy, newest instance, oldest। oldest के अंदर जो सबसे लास्ट बन रखा, सबसे पहले जो बना था उसको हटा देगा। newest जो अभी अभी जस्ट बना है उसको रिमूव करेगा। oldest launch configuration पुराने configuration का है उसे करेगा। ठीक है, डिफॉल्ट के अंदर क्या करेगा वो? सबसे पहले जो देखता है कि आपके जितनी भी जोन्स आपने दे रखी है उन सब में इंस्टेंस एक रहना चाहिए, ठीक है, और हाई अवेलेबिलिटी। एक एक इंस्टेंस उसने हर जोन में रहने दिया। उसके बाद वो चेक करता है आपके जो दूसरे इंस्टेंसेस बचे हैं उसमें क्लोजेस्ट टू नेक्स्ट आवर कौन सा है, जिसका नेक्स्ट आवर पूरा होने वाला है, ठीक है, उसको रिमूव कर देगा। अगर उसके अंदर ही मल्टीपल मिलते हैं उसको क्लोजेस्ट टू नेक्स्ट आवर में, तो उसमें से रैंडमली किसी को भी हटा देगा, ठीक है। सिमिलर सस्पेंडेड प्रोसेस, कि आप किसी भी प्रोसेस को क्या कर सकते हो, यहाँ पर सस्पेंड कर सकते हो फॉर ट्रबल शूटिंग। लाइक जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अपन इस पे लोड इंक्रीज करेंगे, तो वो तो अपन कमांड चला रहे तब हो रहा है। सिमिलरली किसी ने कमांड स्क्रिप्ट बना के दे दी और गलती से मैंने यहाँ पे रन कर दी, तो मेरे सर्वर पे तो लोड इंक्रीज होता जाएगा। ऑटो स्केलिंग उसको देखेगा कि उसके ऊपर लोड आ रहा है तो नया इंस्टेंस बनाना, और अगर वो बनाता जाएगा तो मेरे जो इंस्टेंस की साइज है, ग्रुप की साइज है, वो इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए मेरे को अगर कोई ट्रबल शूटिंग के लिए उसे लॉन्च का ऑपरेशन क्या करना है, स्टॉप करना है, पॉज करना है थोड़ी देर के लिए, तो मैं करा सकता हूँ। टर्मिनेट का करना है, टर्मिनेट का करा दो। दोनों अगर एक साथ कर दिए, ना तो नया इंस्टेंस बनेगा ना ही पुराने को हटाएगा। अगर पुराना अनहेल्दी है तब भी रिमूव नहीं करेगा उसे, ठीक है। देन मैक्सिमम इंस्टेंस लाइफ टाइम, या आप यहाँ पे वैल्यू बता दो कि इतने टाइम तक तो मेरा इंस्टेंस रहना ही चाहिए, ठीक है। तो वो वैल्यू आपने बता दी उसके अंदर। अब अगर वो बीच में किसी दूसरे रीजन से बंद होता है, लाइक उस पर अनहेल्दी हो गया तो बंद कर देगा उसको, ठीक है, या फिर उस पर आपके कह लो कि हार्डवेयर में कोई प्रॉब्लम आ गई, तब भी वही अनहेल्दी वाली बात है कि अगर वो होता है तो बंद होगा, वरना टर्मिनेट आप करते हो तो बंद होगा। वरना जो उसके लाइफ टाइम आपने बता रखा है तब तक तो वो इंस्टेंस वहां पे रहेगा ही। देन डिफॉल्ट कूल डाउन है कि आपकी ऑटो स्केलिंग की दो एक्टिविटीज के बीच में कितना टाइम डिफरेंस होगा। एक ऑपरेशन हुआ, लॉन्च का हो गया, सेकंड इंस्टेंस वापस से लॉन्च करने से पहले कितनी देर वेट करेगा, ठीक है। दो एक्टिविटीज के बीच का डिस्टेंस डिफरेंस यहाँ पे मैंने 60 करा, एंड देन अपडेट। आफ्टर दैट एक्टिविटीज देख सकते हैं। ठीक है, उसमें डिटेल्स दिखा देगा आपको ये क्या क्या वर्क करा है इसने भी। ऑटोमेटिक स्केलिंग में आते हैं तो यहाँ पर अभी अपनी पॉलिसी ये रही, सीपीयू यूटिलाइजेशन एट 50, एड और रिमूव कैपेसिटी, और 10 सेकंड देगा इंस्टेंस को वार्म अप के लिए, ठीक है। शेड्यूल्ड एक्शन यहाँ पे मैंने करा क्रिएट, नेम दे दिया वंस, डिजायर्ड कैपेसिटी मैंने बताई 2, मिनिमम भी 2 और मैक्सिमम 3, ठीक है। अभी मेरे पास में एक इंस्टेंस है, तो यहाँ पे मैंने बताया एक बार करना है। स्टार्ट टाइम बता दो आप इसको, और ये टाइम किस में होगा, यूटीसी के अंदर होगा। यहाँ पर चेक करते हैं यूटीसी टाइम, तो 302 हो रही है 30 नवंबर। So 30th November, थ्री जीरो फोर कर देते हैं। शेड्यूल एक्शन मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, क्रिएट कर दिया। तो अभी मेरी डिजायर्ड वैल्यू है 1, जब मेरा नेक्स्ट आएगा तब उसमें क्या करेगा, 834 पर एक इंस्टेंस और बना देगा। ठीक है, वेट करते हैं 1 मिनट। अब तक इधर देखते हैं इंस्टेंस मैनेजमेंट, T2.micro का दिखा रहा है यहाँ पर, हेल्दी है आपका। यही चीज आप देख सकते हैं हेल्दी है कि नहीं आपके लोड बैलेंसर में, टारगेट ग्रुप में। तो यहाँ पे एक चीज और चेंज कर देना आप, डी रजिस्ट्रेशन डिले को थोड़ा कम कर देना। So let's see, 30 रख देते हैं इसको। तो डी रजिस्ट्रेशन डिले कम करने के पीछे गोल क्या था, अगर जब मैं हटाऊंगा इंस्टेंस ऑटो स्केलिंग ऐसे रिमूव करेगा, तो उसमें अगर ज्यादा दे रखा है तो उसे रिमूव होने के अंदर 5 मिनट लेगा वो कम से कम। ठीक है, एक और आ गया अपना इंस्टेंस, 8 हो रहा है 834। टेस्ट yes, तो और टारगेट ग्रुप में चेक करें अगर टारगेट्स, उसमें भी वो ऐड होने लगे। ऑटोमेटिक खुद ब खुद काम होते जाएंगे, आपने जब भी ट्रिगर करके रख रखा है वो बता देगा खुद ब खुद। अगर आपके वो कर रखे हैं साथ में नोटिफिकेशन लगा रखे हैं, तो आपके पास मेल पे नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। देन अभी मैं क्या करता हूँ, इंस्टेंसेस को एक्सेस करता हूँ। और उनके ऊपर लोड इंक्रीज करता हूँ। एक बार इसका सिक्योरिटी ग्रुप चेक करते हैं। इनबाउंड के अंदर एक एसएसएच को और वापस ऐड करना पड़ेगा। ऑटो स्पेलिंग सिक्योरिटी ग्रुप, एडिट, ऐड एसएसएच anywhere and then save। अभी उसको करते हैं रिफ्रेश। तो एंड देन ये अपनी कमांड है यस रिडायरेक्ट टू /dev/null। तो ये क्या है कि आपके इंक्रीज करता रहेगा लोड कंटिन्यूसली। मैं क्या करता हूँ इस कमांड को मल्टीपल टाइम्स सर मुझे समझ नहीं आया कि ये यस कौन सी कमांड है। इज ग्रेट ये अपने है लिनक्स के अंदर ही। आउटपुट टेस्टिंग रिपीटेडली अंटिल के ओके ठीक है ऑटोमेटिकली वो ये क्या करता रहेगा स्ट्रिंग जनरेट करता रहेगा जब तक आप उसे बंद नहीं करते। और अगर कुछ भी वर्क हो रहा है अपने सिस्टम के अंदर एक प्रोसेस के थ्रू हो रहा है और वो लोड इंक्रीज करेगा आपको। ओके सर ओके तो मैंने मल्टीपल प्रोसेस यहाँ पे क्या कर दी रन कर दी। मैं ढेर सारे कर देता हूँ ताकि अपना जो लोड है एवरेज वो चला जाए ऊपर का। पर सर आपने तो हैश यूज कर रखा है आगे। नहीं नहीं हैश हटा दिया मैंने। वो हैश तो उसके साथ वाला है। ये लगाया था मैंने उसको रिमूव कर दिया। तो अब इसको थोड़ा सा देते हैं टाइम। अपन यहाँ पे देखोगे अगर आप एक्टिविटीज तो अभी 4 दिखा रहे हैं ठीक है। एग्जीक्यूटिंग शेड्यूल्ड एक्शन वंस तो अपना शेड्यूल एक्शन था वो परफॉर्म करा। वैल्यूज ये दिखा रहा है इसको रिफ्रेश करो अपडेट हो गई। तो अब थोड़ी देर और वेट करते हैं इसका। फिर क्या करेगा ये उस पर लोड देखेगा लोड उसका इंक्रीज हो रहा है काफी। और उसके बाद में फिर एक और इंस्टेंस डिप्लॉय कर देगा। तो ये हो रहा है। 1 मिनट वापस आया मैं। चलो ऐसा करते हैं दूसरे के ऊपर भी कमांड्स सेम चला देते हैं अपन। EC2 यूजर की बता दी और इस वाली कमांड को ही करते हैं कॉपी। पेस्ट पेस्ट तो इस तरीके से थोड़ा सा क्या है कि टाइम तो लगता है पर आपके जो एक्शंस आपने बता रखे हैं वो परफॉर्म हो जाएंगे। और जब आपके स्केल इन होगा तो स्केल इन में थोड़ा सा जो आप कह सकते हो कि अराउंड 10 to 12 मिनट्स लग जाता है कई बार। तो ये तो हो गई अपनी जिसके अंदर आप क्या करा रहे हो, ऑटोमेटिक स्केलिंग के अंदर आप दे रहे हो कुछ पॉलिसीज आपने अटैच करी। आप बिना टारगेटेड पॉलिसीज के भी बना सकते हो, जिसमें अगर सिंगल इंस्टेंस आपके चल रहा है, ठीक है। अगर एक ही इंस्टेंस है आपने लगा रखा है, वो किसी रीजन से डाउन हो जाता है, ऑटो स्केलिंग उसको ऑटोमेटिक नया बना देगा। तो अभी जैसे मैंने करा एक बार, मैंने बनाया सिंपल स्केलिंग सेम लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन के साथ। नेक्स्ट सबनेट बता दिए इसको, एंड नेक्स्ट। कोई लोड बैलेंसर नहीं लगा रहा है यहाँ पे, हेल्प चेक अपन दोनों कर देते हैं, एंड 20 सेकंड दे दो। और जो ग्रुप साइज वगैरह है वो सारी की सारी सेम रखी है। स्केलिंग पॉलिसी डन, नेक्स्ट नेक्स्ट। टैग्स दे देते हैं इंस्टेंस को, और क्रिएट कर। तो टेस्ट एएसजी के अंदर अभी इंस्टेंसेस कितने हो गए, पूरे फुल हो गए। इंस्टेंस 3, डिजायर्ड कैपेसिटी 3, और ये आपको बता दिए मिनिमम मैक्सिमम इतना। सिंपल स्केलिंग में भी अपना एक इंस्टेंस बना दिया उसको। अब टोटल मेरे पास यहाँ पर 4 इंस्टेंस हो गए। तो जब इंक्रीज होगा लोड तो आपके इंस्टेंस को बढ़ाएगा, जब डिक्रीज होगा तब उसको वापस हटा देगा। हटाने के लिए अपन कर देते हैं किल ऑल ऑन यस। जितने भी यस वाले प्रोसेस है उनको बंद कर देगा, टर्मिनेटेड। किल ऑल ठीक है। तो अभी सिंपल स्केलिंग के थ्रू जो इंस्टेंस बना है उसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। तो ये क्या करेगा, जब सिंपल स्केलिंग का इंस्टेंस बंद होगा वहां पे पता पड़ जाएगा उसकी डिजायर्ड वैल्यू से कम जा चुकी है वैल्यू। फिर वो उसे वापस बैलेंस करने के लिए क्या करेगा, एक नया इंस्टेंस बना देगा। यहाँ पे टारगेट ग्रुप में देखो आप अगर, तो टारगेट ग्रुप में तीनों दिखा रहे हैं यहाँ पे, टेस्ट एएसजी 1 और 2। तो जो डी रजिस्टर करेगा तो थोड़ा सा अपने जो 30 सेकेंड्स का अपन ने बताया टाइम पीरियड, उसके बाद उन्हें डी रजिस्टर करेगा। ओके टर्मिनेटेड। ये देखो सिंपल स्केलिंग के अंदर टर्मिनेट जब हुआ, इंस्टेंस की वैल्यू हो गई 0। ये बोल रहा है अपडेटिंग कैपेसिटी, अपडेट हो रहा है और एक्टिविटी में अपन को शो कर देगा। ठीक है। तो उसने वापस से क्या कर दिया, उसकी डिजायर्ड वैल्यू के बराबर लाने के लिए एक और इंस्टेंस यहाँ पे क्रिएट कर दिया। है तो हम है। ट्वीट करते हैं इसका जाइए ठीक है। तो तीन तो अपने ऑटो स्केलिंग वाले एसटीएसडी के एंड दो अपने सिंपल वाले। तो इस तरीके से अपन ऑटो स्केलिंग इसमें कॉन्फ़िगर कर सकते हैं ठीक है। तो फिलहाल सिंपल वाली को हटा देते हैं एक बार। सिंपल वाले को सेलेक्ट करा एंड देन डिलीट। यहाँ पे लिखा डिलीट। जब डिलीट आप करेंगे ऑटो स्केलिंग ग्रुप को, उसके साथ जो रिसोर्स बना है उन सबको ये फटाफट से खुद ही हटा देगा। जो सिंपल वाले अपना एक रिसोर्स इससे बन रखा है उसको रिमूव कर देगा। इस पेज को वापस ओपन कर लेते हैं। virtual private cloud VPC okay so VPC kind of a group of security where you can create a kind of group and create a in that group you can create also a number of instances that follow same policies like हम किसी कंपनी के अंदर हम एक वाईफाई यूज करते हैं तो एक पर्टिकुलर एक रेंज होती है आईपी की और उस रेंज में आप डेटा शेयर कर सकते हो। एक्सेसिबिलिटी होती है आपस में सर्वर की ठीक है। वही हम वीपीसी में कर सकते हैं। वीपीसी में ग्रुप काइंड ऑफ ग्रुप बना सकते हैं वेयर है ना आपके सर्वर्स इंटरनली कनेक्ट होंगे एंड वो सेम पॉलिसी फॉलो करेंगे जो एक वीपीसी में काइंड ऑफ ग्रुप है जिस ग्रुप में। तो आप क्या कह सकते हो कि एक तरीके से आपने ग्रुपिंग कर दिया आपके रिसोर्सेज ठीक है। और उसके अंदर आपको अगर ग्रुपिंग करनी थी तो आपने क्या करा एक पूरे रीजन के ऊपर बनाया ग्रुप, इसको आपने बोल दिया आपका वीपीसी। तो अगर यहाँ पे मैं बात करता हूँ AWS बाय रीजन, कोई भी कंपनी आई, उस कंपनी ने क्या करा, खुद का वीपीसी यहाँ पे क्रिएट कर दिया, खुद वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड करके। प्राइवेट क्लाउड के अंदर क्या है कि उस कंपनी के एम्प्लॉइज, ठीक है, वही क्या कर सकते हैं, आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो उसने AWS ने यहाँ पे फीचर दिया कि आप अपना खुद का एक प्राइवेट क्लाउड यहाँ पे वर्चुअली बना सकते हो। लेट्स से HCL कंपनी गई, उसने खुद का VPC बना लिया, ठीक है। सिमिलरली एक और कंपनी गई अपने वहां पे, IBM। तो इन दोनों ने क्या करा, खुद के VPC बना लिए। अब इस VPC के अंदर एंटर होने के लिए आपको एक रास्ता चाहिए, सीधा का सीधा कोई सा भी नेटवर्क हो उसके अंदर जाने के लिए आपको एक गेटवे की जरूरत पड़ेगी। जो अभी तक अपन यूज करते हुए आ रहे हैं, मुंबई का डिफॉल्ट AWS का डिफॉल्ट VPC, उसमें भी गेटवे उनका लग रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे HCL ने क्या करा और IBM दोनों ने एक गेटवे खुद के बना के उनके VPC के ऊपर प्लेस कर दिया। देन उन्होंने फिर क्या करा, आगे अलग अलग सबनेट्स बना लिए। सबसे बेस्ट एग्जांपल आपके कह सकते हो इसमें कि एक आपका प्राइवेट सबनेट, दूसरा पब्लिक सबनेट। आपकी अगर वेब एप्लीकेशन चल रही है, आप चाहते हो कि उस एप्लीकेशन पे सब आए, लेकिन डेटाबेस पे वो ही जा पाए जो ऑथेंटिकेशन करके जा रहे हैं, जिनके पास में उनका यूजर नेम आईडी है वो, ठीक है। तो एक को तो आपको रखना पड़ेगा पब्लिक में, मतलब जिसमें सब आ सकते हैं, और एक को रखना पड़ेगा प्राइवेट में, जिसमें केवल ऑथेंटिकेशन के बाद ही आप जा सकते, ठीक है, डायरेक्ट उस पर जा ही नहीं सकते। तो इनको नेम दे दिया, यहाँ पे मैंने बताया पब्लिक, इधर मैंने बता दिया प्राइवेट। सेम केस में इसको दे दिया पब्लिक, इसको बता दिया प्राइवेट। तो अब ये AWS क्या करेगा, इनके बीच में इंटरनली कनेक्शन बना के देगा दोनों सबनेट्स के बीच, कि अगर इनके अंदर कोई भी इंस्टेंसेस है वो आपस में बाय डिफॉल्ट क्या रहेंगे, कनेक्टेड रहेंगे। वो कनेक्शन बनाने के लिए क्या यूज आता है, आपके राउटिंग टेबल्स यूज आती है। जब आपको किसी पीसी को बताना है कि आप उस पे जाओगे दूसरे पीसी पे, तो एक रास्ता उसको चाहिए जिस रास्ते से वो जा सकता है। तो हर एक के लिए क्या रहती है, यहाँ पर जब VPC आप क्रिएट करेंगे तो राउटिंग टेबल क्रिएट होगी। अगर आप चाहते हैं तो राउटिंग टेबल पब्लिक के लिए अलग बना सकते हैं, प्राइवेट के लिए अलग बना सकते हैं, ठीक है, और होना भी यही चाहिए। तो मैंने क्या करा, एक बना दिया यहाँ पर पब्लिक राउटिंग टेबल। एंड दूसरी मैंने बना दी यहाँ पर प्राइवेट राउटिंग टेबल, ओके। तो जैसे यहाँ पे HCL ने क्या करा, खुद के लिए पब्लिक राउटिंग टेबल और प्राइवेट राउटिंग टेबल बनाई। जैसे ही प्राइवेट किसने बना ली, IBM। तो अब पब्लिक के अंदर आप बताओगे कि जो भी अगर बाहर से आना चाहता है, ठीक है, आउटसाइड ऑफ द नेटवर्क से कोई अगर आना चाहता है तो किसके थ्रू आएगा, IGW इंटरनेट गेटवे के थ्रू, ठीक है। तो उसमें आपने एक तरीके से बता दिया आपका कि सोर्स क्या है, मतलब ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो आपने बोला 0/0/0/0/0 इंटरनेट से अपने ट्रैफिक आ रहा है तो IGW के थ्रू आएगा। उसके अलावा आपने बता दिया कि अगर प्राइवेट राउटेबल के थ्रू आना है, ठीक है, तो प्राइवेट राउटेबल मतलब किससे अटैच्ड है, आपके प्राइवेट सबनेट के साथ। तो यहाँ पर सबको आपको IP रेंज देना पड़ेगा। तो लेट्स से HCL का जो है VPC, उससे उसने ये IP रेंज दिया, IBM वाले ने उसको खुद को डिफरेंट दिया। देन जब इसके अपन सबनेटिंग करेंगे तो मैंने 2 सबनेट्स बनाए यहाँ पर पब्लिक के लिए, 1.0/24 और प्राइवेट के लिए अपन कर देते हैं 2.0/24, ठीक है। आगे 10.0 सेम रहेगा दोनों में। तो अब मैं इसको बताऊंगा पब्लिक राउट टेबल में कि मेरे अगर ट्रैफिक आता है 10.0/0/0/16 में से कहीं से भी, तो इसने एक लोकल राउटर लगा रखा है जिसके थ्रू वो आएगा। बाय डिफॉल्ट लगा हुआ, आपको नहीं बनाना, आपको जस्ट अपना IGW बनाना। ठीक है, यही सेम एंट्री लोकल वाली रहेगी किसमें, प्राइवेट के राउट टेबल, क्योंकि उस पर भी अगर कोई आना चाहता है पूरे नेटवर्क के अंदर कहीं से भी तो वो लोकल राउटर के थ्रू आएगा और बाहर से कोई भी नहीं आ सकता। तो अब मान लीजिए कि अब किसी को भी अंदर जाना है तो पहले IGW के थ्रू पब्लिक मशीन पर, वहां से फिर प्राइवेट पे जा सकता है, ठीक है। एंड अगर आप चाहते हैं कि प्राइवेट पे भी आपको इंटरनेट एक्सेस देना है, तब आपको लगाना पड़ेगा नेट गेटवे, जो कि पब्लिक टू प्राइवेट IP कन्वर्जन के काम आएगा, ठीक है। तो अगर आपके मल्टीपल एम्प्लॉयज है, बाकियों को छोड़ो, आपके केवल एम्प्लॉयज ही आ रहे हैं अगर आपके सारे, लेट्स से एक आया तो सबसे पहले इस पे एक्सेस लेगा, फिर अपने खुद की रेस्पेक्टिव मशीन पे जाएगा जो कि प्राइवेट में चलता है। सेम तरीके से दूसरा आया, पहले पब्लिक मशीन पर, वहां से फिर प्राइवेट, फिर आपका थर्ड एम्प्लॉय आया, वो भी पब्लिक पे जाएगा, फिर प्राइवेट पे जा पाएगा। तो ये जो मशीन है आपकी, जिसके ऊपर सबके सब एक्सेस कर रहे हैं, जिसके थ्रू ट्रैफिक होके जा रहा है आपको, वो क्या कहलाएगा, डिस्टन होस्ट। बेसिकली अगर मैं बोलूं वेस्टर्न होस्ट काइंड ऑफ ए जंप सर्वर वेयर यू कैन एक्सेस एनी प्राइवेट, राइट, वाया दैट। तो बेसिकली जंप सर्वर है अपना, राइट, जंप सर्वर है जिसके थ्रू अपन एक्सेस कर पा रहे हैं अपने प्राइवेट नेटवर्क, ठीक है। तो ये अपना नॉर्मल एक VPC का पूरा गेम हो जाएगा। और अगर आप यहाँ पे नेट गेटवे लगाते हैं प्राइवेट के अंदर इंटरनेट के लिए, ठीक है, तो नेट गेटवे प्लेस वहां पे होता है जहाँ पे इंटरनेट एक्सेस है। तो प्लेस तो होगा पब्लिक के अंदर, लेकिन उसकी एंट्रीज कहाँ पे होगी, प्राइवेट की राउट टेबल, 000/0 एट गेटवे। ठीक है, तो ये तो अपना एक हो गया वीपीसी के बाद। सर क्वेश्चन नेट गेटवे का कांसेप्ट समझ में नहीं आया बेसिकली मेरे को। जैसे आपका ये है कि पब्लिक सर्वर, आपके मतलब बेसिकली क्या होगा कि आपको कोई भी एप्लीकेशन एक्सेस, मतलब सर्वर एक्सेस करने हैं, मतलब आपको कोई भी एप्लीकेशन एक्सेस करने तो हमें लोड बैलेंसर चाहिए होता है, और हमें कोई भी इंस्टांस एक्सेस करना है तो हमें गेटवे चाहिए होता है बस। ओके सर, उस गेटवे के बाद हम वीपीसी पे जाते हैं, और वीपीसी के अंदर हमारे पास पब्लिक और प्राइवेट होता है। हम प्राइवेट को डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते, हम पब्लिक को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अब पब्लिक से मुझे प्राइवेट एक्सेस करना है तो मुझे कहीं ना कहीं गेटवे या कोई बीच मैपिंग मारनी पड़ेगी, तो वो मैपिंग का काम करेगी नेट। ऐसा नहीं नहीं नहीं, वो तो अपने लोकल गेटवे के, लोकल राउटर के थ्रू जा रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। पर अगर आप प्राइवेट पे पहुंच गए, प्राइवेट पे आप इंस्टेंस चला रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। इन केस प्राइवेट इंस्टेंस पे आपको जरूरत पड़ी इंटरनेट, ओके, इंटरनेट एक्सेस करना है, इंटरनेट एक्सेस देने के लिए आपको लगाना पड़ेगा नेट गेट। तो बेसिकली नेट हमें ब्रिज प्रोवाइड कराएगा, राइट। वो आपके क्या कर रहा है, पब्लिक टू प्राइवेट आईपी कन्वर्जन करके दे रहा है। तो अब उसमें जब नेट गेट पे लगाओगे तो उसके साथ में आपके लगेगी एक ईआईपी, इथरनेट विदाउट ईआईपी नहीं, इलास्टिक आईपी, हां कह सकते हो उसमें। तो इलास्टिक आईपी मैंने दिया एक नेट गेटवे के ऊपर, और वो नेट गेटवे अब क्या कर रहा है, इंटरनेट से आएगा ट्रैफिक, ठीक है, और यहाँ पे नेट गेटवे के थ्रू अपन यहाँ पर एक्सेस कर पाएंगे इंटरनेट, ठीक है। विदाउट नेट गेटवे आप प्राइवेट मशीन के अंदर इंटरनेट चला ही नहीं सकते। अगर इंटरनेट चलाना है प्राइवेट मशीन पे तो आपको नेट गेटवे लगाना पड़ेगा, ठीक है। okay. तब एक बार प्रैक्टिकल करेंगे तब और क्लियर हो जाएगा आपको इसमें, तो हैंड्स ऑन रहेगा तब। और इसके अलावा एक कंसेप्ट क्या रहेगा इसमें, ये तो नॉर्मल वीपीसी का हो गया। अब ये सेटअप जैसे यहाँ पे रेडी है, सेम सेटअप आईबीएम ने भी कर रखा, ठीक है। कॉपी पेस्ट, आईबीएम ने खुद का नेटवर्क बना रखा है, उसमें लोकल गेटवे लगा रखा है, इंटरनेट गेटवे लगाया, और पूरा का पूरा सेटअप रेडी है उसका। अब लेट्स से कि मेरी जो IBM है और HCL है, ये दोनों क्या होती है, मर्ज होती है, दोनों के अंदर मर्जिंग हो गई। तो पहले तो क्या था कि उनके जो एम्प्लॉइज थे वो प्राइवेट मशीन्स के थ्रू एक्सेस कर पा रहे थे आपस में, 10 मशीन है प्राइवेट सबनेट में, वो सारे के सारे प्राइवेटली एक्सेस कर सकते हैं, उनको बार बार उस पे जाने की जरूरत नहीं थी बेस्ड इन ऑन, ठीक है। तो प्राइवेट के अंदर पूरा एक्सेस है नेटवर्क का। और अब मैं क्या चाहता हूँ, जब इन दोनों का मर्ज हो गया तो मैं चाहता हूँ HCL के जो एम्प्लॉयज है वो और IBM के जो एम्प्लॉयज है वो क्या कर सके, डायरेक्ट प्राइवेट टू प्राइवेट कम्युनिकेशन कर सकते। सर एक क्वेश्चन है मेरे पास, सॉरी। अगर मान लो मेरे पास में एनएटी की फैसिलिटी है, ठीक है, तो थ्रू द एनएटी है, तो मेरे को पब्लिक सर्वर भी चाहिए होगा, क्योंकि पब्लिक सर्वर से नेट शेयर करूंगा प्राइवेट पे, ऐसा नहीं। पब्लिक तो आपको चाहिए, एक तो यहाँ पे बेस्ट इन होस्ट चाहिए ही, अगर आपको नेटवर्क में जाना है एक इंस्टेंस तो बना के रखना ही पड़ेगा जिसको पब्लिक आपने दे रखा है, राइट। उसके बिना काम नहीं होगा मेरा, विदाउट दैट उसके बिना कैसे जाओगे आप? आपको किसी भी एरिया में घुसना है तो उसमें गेटवे तो चाहिए एक, और वो गेट लगाने के लिए आपको पब्लिक सबनेट की जरूरत पड़ेगी। ओके, तो पब्लिक सबनेट यहाँ पे मेरे गेटवे काइंड ऑफ का काम कर रहा है। हाँ कह सकते हैं अपन, जब अपन इसमें प्राइवेट पे जाना चाह रहे तो प्राइवेट के लिए गेटवे की तरह ही काम कर रहा है। बाहर से आपको अंदर जाना है तो पब्लिक के थ्रू ही जाओगे। हाँ, तभी कि मतलब मेरे पास पब्लिक जो आईपी है, राउटिंग है, मतलब बेसिकली मेरा गेटवे काम कर रहा है जहाँ पर हर चीज की एंट्रीज है पब्लिक और प्राइवेट के रेस्पेक्ट में। राइट, कह सकते हैं उसको कि गेटवे की तरह काम कर रहा है और अपने उसकी तरह उसमें एंटर होने के लिए आपको उस पे जाना पड़ेगा। तो सर आपने जो IGW लिखा है, IGW यही है पब्लिक या वो अलग है? IGW अलग थी। IGW तो इंटरनेट गेटवे है जो कि पब्लिक, जैसे आप कंफ्यूज हो गई हैं यहाँ पे। लाइन से आते हैं तक, यहाँ तक क्लियर है क्या क्या चीजें बनाई? यहाँ पर ये कि हमने पब्लिक सर्वर बेस्ट होते हैं, एक जंप सर्वर बना है, एक प्राइवेट उसके थ्रू एक्सेस कर लेंगे, और जब अपना सर्कल में ये सर्वर एक मिनट, ये सर्वर्स नहीं है अपने, ये सबनेट से दोनों ठीक है। ओके अभी जस्ट इतना देखो, अब नीचे अपन चलते हैं, तब अपन आगे किसके अंदर उस मान लो इस डायग्राम को मैंने बड़ा कर दिया, ये एचसीएल का हो गया वीपीसी ठीक है। HCL ने क्या कर रखा है, एक बना रखा है पब्लिक सबनेट, एक उसने बना रखा है प्राइवेट सबनेट, इसको नेम्स दे देते हैं अपन, एक सबनेट एंड प्राइवेट सबनेट। अब मैंने क्या करा, पूरे के पूरे नेटवर्क को एक रेंज दे दी, मैं दे देता हूँ 100.0.0.0/16। जब इसकी सबनेटिंग करूंगा मेरे पास में आ गया पहला सबनेट 100.0.0.0/24, दूसरा सबनेट मेरे पास आ जाएगा 010/24। तो अब एक को इसके अंदर मेरे को मिल रहा है कितने 254 आईपी एड्रेस मिल रहा है यूजेबल, इसमें 254 यूजेबल आईपी एड्रेस मिल रहा है, मतलब मैं यहाँ पर 254 मशीन्स क्रिएट कर सकता हूँ ठीक है। सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी 254 मशीन्स क्रिएट कर सकता हूँ। तो पहला केस मान लो कि मैंने क्या करा, एक सिंगल मशीन बनाई इधर, एक सिंगल मशीन बनाई इधर, इस मशीन को तो मैंने दे दिया मेरा एक पब्लिक आईपी, उसके अंदर ऑटोमेटिक मिल गया, और प्राइवेट आईपी तो मिलेगा ही मिलेगा। जो प्राइवेट में सबनेट है उसमें मैंने ओनली एंड ओनली प्राइवेट आईपी किया। तो अब मेरे को क्या करना है, इतना सेटअप कर दिया मैंने, मेरा लैपटॉप बाहर पड़ा है, मैं इससे एक्सेस करना चाहता हूँ, प्राइवेट को एक्सेस करूंगा तो कोई चांस में होना ही नहीं है। तो मेरे को एक्सेस किसको करना है, पब्लिक को। पब्लिक को एक्सेस करने के लिए मैं गया यहाँ पे, मेरे को रास्ता ही नहीं मिल रहा, कैसे जाने का, गेटवे लगेगा तो गेटवे लगेगा, वीपीसी पे मैंने लगा दिया गेटवे। अब VPC पे गेटवे तो लग गया, गेटवे के ऊपर ट्रैफिक भी पहुंच गया, अब पब्लिक का एक्सेस लेना, तो पब्लिक के ऊपर जाने के लिए उसको बताना पड़ेगा कि भाई बाहर से ट्रैफिक आ रहा है इस गेटवे के थ्रू, तो किसके ऊपर आना चाहिए। उसके लिए मैंने बना दी दो राउटिंग टेबल, एक पब्लिक राउटिंग टेबल, एक प्राइवेट राउटिंग टेबल। पब्लिक के अंदर मैंने क्या एंट्री करी, इंटरनेट से कोई भी आ रहा है इस गेटवे के थ्रू आएगा। उसके अलावा एक और एंट्री करी कि 100.0.0.0 में से कोई भी अगर आता है तो एक लोकल राउटर लगा रखा है उसके थ्रू आएगा ठीक है। और इसको कॉपी करके प्राइवेट के अंदर सेम एंट्री, तो यहाँ पर आया, इसने देखा इंटरनेट गेटवे के थ्रू ट्रैफिक आ रहा है, पब्लिक पे भेज दो। तो पब्लिक पे आ चुका है जो बंदा, वो किस पे जा सकता है, प्राइवेट टू प्राइवेट कम्युनिकेशन कर सकता है ठीक है। ओके सर, अब प्राइवेट पे आ गया, यहाँ पे सब कुछ हो गया, एक्सेस कर लिया, काम कर रहा है। इस इंस्टेंस को उसको करना अपडेट करना, उसने कमांड चलाई यम अपडेट, उसके पास में एक्सेस ही नहीं है इंटरनेट का, इसलिए नहीं कर पाए। तो इंटरनेट एक्सेस देना है तो मुझे लगाना पड़ेगा नेट गेटवे। नेट गेटवे प्लेस होगा वहां पर जहां इंटरनेट एक्सेस है। पब्लिक इंटरनेट एक्सेस कहां पे है? पब्लिक सबनेट के अंदर, पूरे सबनेट में ही अपने इंटरनेट। ठीक है, तो इस सबनेट पे मैंने लगा दिया नेट गेटवे और मैंने इसकी एंट्री कहां पे कर दी? प्राइवेट के राउट टेबल। अगर किसी को आना है बाहर से, मतलब इंटरनेट का एक्सेस चाहिए अगर इसको, तो नेट के थ्रू करेगा। सर अब एक चीज पूछनी थी कि मुझे है ना, ये तो थ्योरी को समझ में आ गया, बट एक चीज समझ नहीं है कि सबनेट पे नेट कैसे लगता है और सबनेट और इनका डिवीजन ढंग से, मतलब वो प्रैक्टिकली आएगा। ठीक है सर, प्रैक्टिकल अपन इसका कर लेंगे, आज जस्ट एक बार थ्योरी समझ लेते हैं थोड़ी। ठीक है, हाँ सर, थैंक यू सर। अब ये तो अपना रेडी हो गया, सब कुछ अपन कर पा रहे हैं। यहाँ पे एक्सेस, इंटरनेट का एक्सेस मिल जाएगा, वो सब ठीक है। अब अपन बात कर रहे हैं किसकी? जब मैं दोनों को क्या कर रहा हूँ, मर्ज कर रहा हूँ। तो मर्ज करने के अंदर मैंने क्या करा, इसको थोड़ा सा केस को चेंज कर देंगे। पब्लिक सबनेट में एचसीएल ने एक ही मशीन बनाई और प्राइवेट के अंदर उसके पास में थे 10 एम्प्लॉइज उसके। तो उसने क्या करा, हर एक के लिए एक अलग से सर्वर क्रिएट कर दिया। ओके, 5-5-10। तो हर एक को क्या करना है, एक्सेस लेना है। किसके थ्रू आएगा वो? जब एंटर होगा नेट, इसमें नेटवर्क में, पब्लिक सबनेट पे आएगा, पब्लिक मशीन में आएगा, वहां से प्राइवेट पे आ सकता है। सब ऐसे करेंगे। अंदर आ गए। उसके बाद में क्या है कि अब इनको अगर कम्युनिकेशन करना है तो अंदर किसी से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब उनको वापस से ऐसा नहीं कि वहां पे जाना है फिर घूम के वापस इसी पे आना है, क्योंकि एक ही नेटवर्क में है, एक नेटवर्क के अंदर सारी मशीन्स आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं चाहता हूं कि एचसीएल के जो एम्प्लॉयज है वो खुद से तो कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये क्या कर सके, IBM से भी प्राइवेटली कम्युनिकेशन कर सकते, उनको इंटरनेट पे जाने की जरूरत ना पड़े। तब वहां पे अपने पास कंसेप्ट आएगा VPC peering का। जब आप दो अलग अलग VPC को क्या कर रहे हो, कंबाइन कर रहे हो। ठीक है, तो उसके अंदर एक peering गेटवे आप कह सकते हो, वो आप क्रिएट करोगे। उसके थ्रू आपके अलग अलग नेटवर्क वाले भी क्या कर पाएंगे, आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे प्राइवेट। ठीक है, तो ये है इसका, अपन प्रैक्टिकल करते हैं कल।